हेलो पीपल, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेल, ईद के मौके पे हमेशा तो सवैयाँ, खीर, शीरखुरमा बनते ही हैं। मैंने बनाए शीरखुरमा, किमामी और ये लड्डूस। सो मैंने सोचा चलो ये लड्डूस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जब से छोटा भीम मेरा बेटा देखने लगा था, उसे लड्डूस तो बहुत पसंद है। सो ये बनते रहते हैं और आज मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। सो सबसे पहले तो चने की दाल मैंने भिगो दी, और ये वाले जो लड्डू है ना, आप इसे बर्फ़ी भी बना सकते हैं। सो एनीवेज, ये मैंने हाफ एन आवर के लिए भिगाया था इसे, और इसे देखिए मैंने उंगली की मदद से तोड़ा तो ये टूट गई है। तो अब इसे पीस लेंगे। इतना कम पानी डाल के आप पीसिए ताकि इसका एक अच्छा सा फॉर्मेशन हो जाए, कि आप इसे जब ड्रॉप करें ऑयल में तो ये बिखरे ना, ठीक है? सो बस मैंने सब दालों को पीस लिया है, और देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही लाइट वाला यू नो पेस्ट बन चुका है। अब तेल गरम कर लिया और हाथों में लेके इसे चपटा चपटा हमें बना के चपटे पकौड़े बनाने, मतलब मोटे पकौड़े गोल गोल नहीं बनाने हैं, हमें इसे चपटे वाले बनाने हैं। उंगलियों पे आप रखिए, फिर अंगूठे से दबाइए और वो चपटे हो जाएंगे, फिर आप इसे इसमें डाल दीजिए। इसी तरह सारे बैटर का आप चपटे वाले पकौड़े बना लीजिए। फिलीमी पकौड़े हैं पर बनने वाले लड्डू हैं इनसे। सो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने ईद में क्या कौन सा मीठा और क्या क्या बनाया। बस देखिए ये इसी तरह ट्विस्ट एंड टर्न करिए। आँच मैंने हाई ही रखी है, क्योंकि हमें ये चपटा है, कोई अंदर से इसे गलाना तो है नहीं, इसे बस हमें फ्राई करना है इतना कि ये हार्ड थोड़े से हो जाएं, कुरकुरे हो जाएं, ठीक है? देखिए कलर चेंज हो गया, कुरकुरे हो दिख ही रहे हैं वो। सो आप इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सभी बैटर का आप पकौड़े बनवा लीजिए या बना लीजिए। सो हल्के से ठंडे हो गए, पूरे ठंडे नहीं होने देने, हल्के से ठंडे एकदम। मैंने दोनों को चेक किया टकरा के कि भाई बराबर बने हैं कि नहीं, सब परफेक्ट बने हैं। अब मैंने यहाँ शीरे की तैयारी कर रही हूँ। घी गरम हो गया है, इसमें मैं पिस्ता, काजू, बादाम, आपकी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास हो, आपके अवेलेबल हो आपके पास, वो आप डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक आध चीज़ भी डाल सकते हैं। किशमिश मुझे बहुत पसंद है, मैं डालती, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पसंद, सो मैंने वो ओमिट किया है। सो ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस से कीजिए। अब उसी घी में मैंने शक्कर, ये शक्कर मेरी इलायची के साथ पीसी हुई है, सो मैं अलग से इलायची नहीं डालूंगी, इसी शक्कर में इलायची का टेस्ट आने वाला है। सो जितनी दाल उतना पानी उतनी ही शक्कर, यानी 1 कप दाल, 1 कप शुगर, 1 कप वाटर। उसी में हम सैफ्रन के स्ट्रैंड्स भी डालेंगे, मेरे पास नहीं है, मैं कलर डाल रही हूँ। आपके पास अगर सैफ्रन स्ट्रैंड्स हो तो वो भी डालिए, और थोड़ा सा कलर भी डालिए, थोड़ा इन्हांस हो जाता है। एनीवेज, वो जब तक बन रहा है, ठीक है, मीडियम आंच पे मैंने उसे रख दिया बनने के लिए। अब आते हैं हमारे ये चपटे पकौड़ों को लड्डुओं को शेप देने के लिए। सो मिक्सर में मैंने पीस लिया, और देखिए ये एकदम ही अभी भी यू नो सैंडी बने हुए हैं, एकदम ही सैंड की तरह टेक्सचर है इसका। आपको यही कंसिस्टेंसी चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, इस तरह बूरा बूरा जैसा होना चाहिए, ठीक है? वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कंसिस्टेंसी देखते हैं हमारे चाशनी की। एक तार की चाशनी चाहिए थी, हो चुकी है, ठीक है? अब इसी चाशनी में हम हमारा सैंडी पूरा किया हुआ चने की दाल के चपटे पकौड़े ऐड कर देंगे, ठीक है? अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे इतना मिक्स करिए कि ये तवे को छोड़ने लगे, यू नो, और जब एक साथ जब छोड़ने लगेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, राइट? सो बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमारे दाल ऑलरेडी फ्राई की हुई है, तो वो पकी हुई है, तो कोई कच्चेपन की स्मेल नहीं आने वाली है आपको, कोई घंटे भर घोटना नहीं है आपको, कोई घंटों भर का काम नहीं है। बस चने की दाल को भिगाया, उसे पीसा, फ्राई किया, पीसा, बस, और भुना 5-10 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, उसे इतनी देर कम से कम फास्ट आंच पे रखिए, अराउंड 5 मिनट, ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, कि आपका जो हलवा, ये एक तरीके का हलवा ही है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं।
आप इसकी बर्फी भी, जैसे ये एक परात है इसमें आप चपटा करके करेंगे तो इसकी स्लाइसेस कर दीजिए, बर्फी भी बन जाएगी। आज हम लड्डू बना रहे हैं तो इसको लड्डू का शेप दे रहे हैं, वरना इसी चीज़ के आप बर्फी भी बना सकते हैं। बस जब तक गर्म है, वैसे ये ठंडा भी हो जाएगा तो आप यूज़ कर सकते हो लड्डू बनाने के लिए, ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। आप बस हल्का सा गीला हाथ यानी घी वाला हाथ करके इसे अच्छे से बांध दीजिए हाथों को, ज़रा ना थोड़ा सा कड़क कड़क दबा दबा के आप इसे फॉर्म दे दीजिए, और किसी भी चीज़ की टॉपिंग लगा के आप इसे शेप दे दीजिए। और बस अगर आपके पास ये लाइनिंग पेपर है जो कपकेक्स के या चॉकलेट्स के मोल्ड के पेपर होते हैं, वरना आप ऐसे भी रख सकते हो इसको। मेरे पास थे तो मैंने आपको दिखाने के लिए बस ये कर दिया, और क्योंकि ये मैंने अपनी चाची जी के लिए बनाया था इसलिए मैं इसे इतना प्रेजेंटेशन अच्छे से करके मैं उनके लिए भी लेके जाने वाली हूँ। सो आई होप आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट है, इसे तोड़ने के बाद अभी भी ये पूरी बुरी बुरा बुरा जो कहते हैं दरदरा सैंडी टेक्सचर अभी भी है, लेकिन ये बंधेगा और टूटेगा नहीं और मुंह में भी घुल जाएगा। सो ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिए और बताइएगा मुझे कि कैसे बना है आपसे, मैंने सही रेसिपी दी है नहीं दी है, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। मेरे घर वालों को तो पसंद है घर की मुर्गी दाल बराबर, सो आई डोंट नो अगर ये अच्छे बनते हैं या मेरे परिवार वाले ऐसे ही तारीफ करते हैं। सो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड आई होप यू विल ट्राई दिस रेसिपी एंड यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो विद अ न्यू रेसिपी। सो टेक केयर, बाय बाय।